पीछे जब मैं टेरो कार्ड रीडर्स के पास जाती थी, आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड. आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ वन टेरो कार्ड रीडिंग, देन अनदर, देन टू समवन एल्स. लेकिन गीता मैम के साथ जब मैंने सेशन लिया, आई हैव आस्क सम क्वेश्चंस, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चंस गीता मैम ने मुझसे खुद ही पूछ, एंड शी जस्ट फाउंड आउट द रूट कॉज कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं. बेसिकली टेरो भी इसी तरह से आपको, उनके अंदर कुछ हिडन मैसेजेस हैं. टेरो में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं. 78 कार्ड्स में टोटल 22 मेजर अरकानास होते हैं और 56 माइनर अरकानास. टैरो का जो बेसिक कोर्स है उसमें हम क्या क्या सीखते हैं. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टैरो से रिलेटेड, हम टैरो मेडिटेशन कराते हैं. ये जितने भी कार्ड्स होते हैं इनके साथ आपका एक रिलेशन डेवलप होता है. आपकी साइकिक पावर्स जब तक नहीं होंगी तो आपकी इंट्यूशन नहीं होगी. तो आपकी इंट्यूशन पावर कैसे बढ़ेगी, उसके लिए कुछ मेडिटेशंस आपको सिखाए जाते हैं. इसके साथ साथ टैरो का मीनिंग कि क्या है ये टैरो, क्यों टैरो कार्ड्स बने, कैसे ये वर्क करते हैं, हिस्ट्री ऑफ टैरो, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए, कब करना है, कब चार्जिंग की जरूरत है, ये सब बेसिक लेवल में कवर किया जाता है. लास्ट जो पॉइंट है वो टैरो के बेसिक कोर्स का है, वो है कि आप स्प्रेड्स कौन कौन से सीखते हैं. हम तीन तरह के स्प्रेड्स बेसिक लेवल में सिखाते हैं. इसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को आप देखना सीखते हैं. क्या गाइडलाइन देनी है, क्या टिप्स देनी है, क्वेश्चन कैसे पुट करेगा करेंट, ये सब चीजें. व्हाट आर योर डूज एंड डोंट्स व्हाइल यू आर कंसल्टिंग योर क्लाइंट, ये सब बेसिक कोर्स में सिखाया जाता है. बेसिक इज आप अगर सेल्फ के लिए टैरो रीडिंग करना चाहते हैं और सिर्फ अपनी सिचुएशंस के लिए क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो उसमें आप बेसिक यूज कर सकते हैं. बट अगर आप प्रोफेशनली इसकी और लोगों के लिए भी रीडिंग करना चाहते हैं तो कैसे आपको एडवांस कोर्स हेल्प करेगा और उसमें हम क्या क्या सिखाएंगे. बेसिक में हम सीखते हैं कि हर कार्ड को इंटरप्रिटेट कैसे करना है. फोर सूट्स जो रिलेटेड हैं, वो फोर एलिमेंट्स हैं, वो उनकी सारी इंटरप्रिटेशन, इमेज की इंटरप्रिटेशन सीखते हैं. एडवांस में रिवर्स कार्ड आ जाए तो तब कैसे प्रिडिक्ट करना है, ये भी एडवांस कोर्स में आप सीखते हैं. डेक की क्लींजिंग भी जरूरी है. और क्यों जरूरी है, सब आपको कोर्स में बताया जाएगा. सपोज आपने जनवरी में रीडिंग किया है तो मई टू अप्रैल टू मई के बीच में आपका काम हो सकता है, ये तक आप टैरो डेक में, एडवांस टैरो कोर्स में आप सीख सकते हैं. था डाउट था जो था इनिशियली, लेकिन सीखते सीखते और ग्रेजुअली जब हमने एक्चुअल रीडिंग स्टार्ट करी, बिल्कुल रेलेवेंट कार्ड आते थे, रेलेवेंट सिचुएशंस आती थी, सब कुछ एग्जैक्ट आता था. वो प्रेडिक्शन जो थी वो बिल्कुल एक्यूरेट आई थी. उसने पूछा कि इज ही राइट फॉर मी, और उसमें आया था थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, डिच, डिच होगी कहीं ना कहीं, एंड इज नॉट राइट. ओके, ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए. अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप पार्ट टाइम काम करके यू कैन अर्न वेल. And actually all my students who have already done these courses, they are earning well and doing well in their predictions also. इस तरह से basic और advanced दोनों करने के बाद आपको पूरा detail में सिखाया जाता है कि कैसे professionally आप tarot reading करेंगे और भी लोगों को अपनी predictions और अपनी guidelines के through help कर पाएंगे उनकी life में.